दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अंतिम और पुष्पा के, 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 के बारे में, में तो दोस्तों दोस्तो सबसे पहले जानते सत्यमय जयते टू के कलेक्शन के बारे में इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने ट्रिपल रोल निभाया था और उनके अपोजिट दिव्या खोसला कुमार नजर आई थी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मिलाप जावेरी ने इस फिल्म को इंडिया में कुल 2500 स्क्रीन्स के साथ 25 नवंबर सन 2021 में रिलीज किया गया था अगर तो साबित सा हुई थी अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन की कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में तीन करोड़ साठ लाख का कलेक्शन किया था अब जानते तड़प के कलेक्शन के बारे में इस फिल्म में आन शेट्टी और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आए थे इस फिल्म को इंडिया में कुल एक हजार के साथ तीन दिसंबर सन दो में रिलीज किया गया था इस फिल्म को मिलन रुथरिया ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म सन 2018 में आई तेलुगु फिल्म आर एक्स हंड्रेड की रीमेक थी इस फिल्म का बजट तेवीस करोड़ था इस फिल्म ने इंडिया में 27 करोड़ 2 लाख कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी इस फिल्म ने अपने पहले दिन में चार करोड़ पांच लाख के 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 तो सलमान खान सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था इसे प्रोड्यूस किया था खुद सलमान खान ने इस फिल्म को इंडिया में कुल तीन हजार दो सौ पचास स्क्रीन के साथ छब्बीस नवम्बर सन दो हजार इक्कीस में रिलीज किया गया था अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट सैतीस करोड़ था कलेक्शन की तो इस में पहले दिन में पांच करोड़ तीन लाख कलेक्शन किया था अब जानते पुष्पा की हिंदी वर्जन के कलेक्शन की इस फिल्म में अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आए हैं और उनके ऑपोजिट रश्मिका मंदना नजर आई है इस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है इस फिल्म को हिंदी वर्जन में 900 स्क्रीन्स के साथ 17 दिसंबर सन 2021 में रिलीज किया गया था अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का हिंदी बजट लगभग चौबीस करोड़ है और इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अब तक पचहत्तर ऑफिस कलेक्शन को कम्पेयर करें तो सत्य में जयते टूर ने अपने पहले दिन में तीन करोड़ साठ लाख कलेक्शन किया था तो तड़प तो ने चार करोड़ पांच लाख का अंतिम दूत ने पांच करोड़ तीन लाख का और पुष्पा की हिंदी वर्जन तीन करोड़ लाख कलेक्शन किया था दोस्तों पहले दिन के कलेक्शन के हिसाब से अंतिम टूट ने ज्यादा कमाई की थी और बाजी मारी थी लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन के हिसाब से अल्लू अर्जुन की पुष्पा ने बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और नंबर वन फिल्म बन चुकी है तो दोस्तों आपको इन चारों फिल्मों में से कौन से फिल्म ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके